बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद उमैर वहीद और मेरे साथ हैं जी जुवेद भाई। जुवेद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा जुवेद भाई, बताएं वहाँ को किस मंडी में आज मौजूद हैं? आज हम माछीवाल बकरा मंडी में मौजूद हैं और बाकी यार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आज हम रेट चेक करेंगे कि किस तरह के चल रहे हैं। बाकी यार मुझे यहाँ के रेट बहुत ही मुनासिब लगे हैं और यहाँ पे जो सा छुरी वाला माल है उसके रेट तो बहुत ही मुनासिब है, साहिवाल से या कमीन वाली मंडी से। बाकी यार दोस्तों सेकंड चैनल पे वीडियो आ चुकी है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमने व्यापारियों के साथ काफ़ी शुगल मिला किया है और बाकी वीडियो लाजमी जाके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और आज हम रेट चेक करते हैं कि किस तरह के चल रहे हैं और पिछली वीडियो पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया था आपने, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे पड़े थे। तो चलिए आज जुवेद भाई के चैनल पे भी वीडियो आएगी माछीवाल की और मेरे चैनल पे भी, और सपोर्ट लाजमी कर दी है आपने, तो रेट वगैरह मालूम करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, चलिए शुरू करते हैं जी। दोस्तों अभी माशाल्लाह एक मक्खी चीनी बकरी नज़र आई है, एक बच्चा जिसके साथ, ये येलो मक्खी चीनी है ठीक है और ये वाइट मक्खी चीनी है ठीक है। और साजी दे दाने किन्ने अंड अठ दस पूरी है ते नर है पट है किन्ने दिन दी है? पांच दिन दी। ओदे थल्ले दुध किन्ना वा? इत्थों ही लईओ, फिर भी अंदाजा तुहाडा कोई तजर्बा? बच्चे जोगा रोना लेकिन दूध जो सा रोका हुआ है और ये यहाँ के लोकल व्यापारी हैं, सही है। तो अभी जो सा रेट पता कर लेते हैं। आज रेट की कर रहे हो? लो जी 33,000 की बकरी। यार दिखाने का मकसद ये है कि यार कुछ लोग जो है वो ज़्यादा रेट वाली चीज़, अच्छे रेट वाली चीज़ परचेज करना पसंद करते हैं। हम जारी बात जी पसली भार सहती है उन्हें परचेजिंग करनी है महंगी। तो बाकी यार कुछ लोग यहाँ पे गिला शिकवा करते हैं कि यार आप पंजाबी हैं, एक टाइप की वीडियो बनाया करो, लेकिन यार मेरे जोनसी है, मेरा जो है ज़बान जिस तरह चलती है उस तरह वीडियो बना लेते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए किसी को। और अभी इसका फाइनल रेट जो है वो ले लेते हैं। बहुत आखिरी रेट की हो जाएगा? 30 दी हो जाएगी भाई। तो जी ये वाली बकरी जो सी है आप देख सकते हैं 30 की मिल जाएगी आपको, बहुत ही मुनासिब रेट है। पिछली दफ़ा भाई का कमेंट था कि एक जो सी जोड़ी दिखाई थी मैंने आपको 65 या 70 वाली, तो भाई का ये कहना था कि यार क्या ये भी रेट मुनासिब है। तो यार अगर यही चीज़ें साहिवाल में होती तो यकीन करो उनके रेट डबल होने थे। तो इस रेट में आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी माशाल्लाह, और बहुत प्यारी चीज़ आई है। तो मेरे ख्याल भाई आपकी पहले भी मैंने वीडियो बनाई है ना, पहले आपके पास भूसी बकरी थी वो बेच दी है, तो है किन्ने दी आखिरी किन्ने दी देनी? 28 दिकर। क्या बात है साहब जी, अपना नंबर दोगे एक दफ़ा? 0307 जी 3 4 4 ठीक हो गया जी। ये है जी माछीवाल की मंडी जो सी हर जुमे को लगती है और इस साइड पे आप बकरा देखें अपना वहाँ मैं कड़ा गया मेरा किन्ने दान दा दिखाएगा जरा लो जी है भाई जुगता मार रहे अगो एक मिनट साइड दे दी साजी अपना वा नहीं मैं दंद शांत दिखा जरा खोल के उस्ताद जी शुगल मेला लाई था दिस गुस्सा ही कर गए ओ भाई अपन जान दे गए उड़ा की ये चीज मक्खी चीना मैंने दंद खाई सोने दे यार एक दिखाने में कोई हर्ज है लेकिन इसकी टेल देख ले यार थोड़ी सी नहीं बल्कि ज्यादा चेड़ी ये चार दांत है क्या बात है साजी झोला क्यों बांधा है बकरी अपना वहां के इथो लिया तू इत आरफ वाले ही लेना बुरे शहर का तो यार भाई साहब वाले भी घूमते हैं तो अभी इसका रेट ले लेते हैं जानी मुझे बता कितने का दे देगा 65 मांग दे 60 ज्यादा नहीं है
ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨੀ ਅੱਜ? ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। 0306 ਜੀ 6599 ਜੀ 031। ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ? ਸਫਦਰ ਅਲੀ। ਸਫਦਰ ਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਛੀ ਵਾਲ ਕੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਕੋ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਡਰ ਬੱਕਰਾ ਦਿਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਹਾਰਟ ਲੈਂਥ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਭੀ ਇਸਕੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਬਾਈ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਇਸਕੇ ਦਾਨ ਦਿਖਾਈਏ ਅਗਰ ਤਾਰਾ ਕਿਤਨੇ ਹੈ। 8 ਦਾਂਤ ਹੈ ਲੋ ਜੀ, 8 ਦਾਂਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਰੀਡਰ ਬੱਕਰਾ ਇਹ ਆਂਡਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਾਜੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 160 ਸਤਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਸਤਾਜੀ 8 ਦਾਂਤ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਕਰੋ ਕੇ ਪਾਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲੇ ਬਈ ਗਏ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਜੋ ਆਂਡ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੇ, ਯੇ ਦੇਖ ਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਟ ਸੁਣੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾ? 80 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ੀਦ? ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹ ਜੀ। ਦੰਦ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ 8? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਦਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਦਿਓ। 0302 7534 493। ਨਾਮ ਕੀ ਬਾਈ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਈ ਕਾ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਚੁਨਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਮਾਲ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾਲ ਕੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਕੋ ਲਗਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਜੋ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਾਗਰੇ ਡਿੱਬੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਬੱਕਰੀ, ਔਰ ਅਭੀ ਬਾਈ ਸੇ ਇਸਕੀ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸਕੇ ਦਾਨ ਦਿਖਾਈਏਗਾ ਜ਼ਰਾ, 8 ਦਾਨ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ, ਗੱਬਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੈ ਥੱਲੇ? 3 ਕੁ ਕਿਲੋ? 3 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 3 ਭਾ, ਸੋਰੀ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਏ ਥਨ ਵਗੈਰਾ 3 ਭਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਰੇਟ ਕਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ? 30,000। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਯਾਰ 30,000 ਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਕੇ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੁਝੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁੜੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਤੋ ਯੇ ਤੋ ਜਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜੋਨਸਾ ਰੇਟ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਸੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਰੇਟ। ਸਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਰੇਟ 'ਚ? 25 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੋਗੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ? 0307 3934 ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਕਬਾਲ। ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆਏ ਹੈ? ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਜੋ ਸਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਗਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਬਾਈ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ ਜ਼ਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਸਟ। ਯੇ ਬਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਸਕੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਆਪ ਦੇਖੇਂ, ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਖੀਰਾ ਹੈ ਲੈ ਬੱਕਰਾ ਵੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਵਾ? 26.5 ਦਾ।
माशाल्लाह यार बड़ा मुनासिब मिल गया, बताएं अगर बेचना चाहें तो बेचेंगे। ये घर के लिए लिया है, घर के लिए लिया है। लो जी ये देख लें आप रेट यहाँ के, यार चीज़ बहुत ही प्यारी है, बड़ी दिल के दिल को लगी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है और रेट भी मुनासिब है 26.5। ओह ठीक हो गया शाह जी, है बकरे का की मांग रहे हो? 35,000 का बकरा, इन्हें तो नवा आ जाता शाह जी। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं यार, आज माल इतना कोई खास आया नहीं हुआ और वीडियो जो सी है वो पूरी सूरी बन रही है बस। जी दोस्तों अभी माशाल्लाह आपको नागरे कलर के अंदर जो सा बकरा दिखाने लगा हूँ, और माशाल्लाह हाइट लेंथ अच्छी है इस बकरे की, और अभी भाई से डिटेल वगैरह मालूम कर लेते हैं। इसके बहुत दांत दिखाइएगा ज़रा कितने हैं, धोंदा है अभी, ठीक हो गए। और हाइट लेंथ यार आपके सामने है, और ये माछीवाल की मंडी है, और अभी इसका रेट पता करते हैं तो फिर मैं आपको अपना आइडिया बताऊंगा, ठीक है। बहुत मौलगी कर रहे हैं, 75 का देना कितने का? 70 का देना, ज़्यादा नहीं है। शाह जी मैं आया साहीवाल हूँ, तो आम कहती साहीवाल के रेट बहुत तेज है, इतने तो उस नाल भी अग लगी हुई। तुम दसना, मैं तो जस्ट तेरे को आइडिया लेना थोड़ा जहा, आखिरी किन्ने का दे दोगे? 65 का। थोड़ा जहा खलो खोल के चला के दिखाओगे? लो जी भाई का कहना है 65 तक मिल जाएगा। तो यार यकीन करो ये वाली चीज़ अगर साहीवाल में होती तो कम से कम भी शाह जी लाख से स्टार्ट होनी थी। और ये नहीं कि यार मैं माछीवाल को प्रमोट करने के लिए ये वाली चीज़ कह रहा हूँ, इस तरह का कोई सीन नहीं है, लेकिन चीज़ भी अच्छी है और रेट ज़रा मुनासिब है। और बाकी यार वीडियो में जो उनसे बुपारी हज़रात है थोड़ा सा ज़्यादा रेट बताते हैं कैमरे को देख के, और अगर आप माशाल्लाह यहाँ पे खुद आते हैं चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उम्मीद है कि ये ली वाली चीज़ में आपको कोई 20-30% जो उनसे वो कमी देखने को मिलेगी। और चीज़ आपके सामने है, अभी दो दांत है मुँह में और नागरे डिब्बे में है, सही है, ब्रीडर क्वालिटी का, सही है। अभी नंबर ले लेते हैं शाह जी, अपना नंबर तो होगा कोई, बोलो जरा। 0303 जी, 5178 जी, 302 ठीक हो गए। ये माछीवाल की मंडी है जो सी हर फ्राइडे को लगती है, और चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको माल, ठीक है जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने जो सी माछीवाल की अपडेट देखी है, और यहाँ पे एक दो बातें हैं जो उनकी आपके साथ शेयर करने वाली है। सबसे पहले ये है कि लोग समझते हैं कि यार घर में बैठ के हमें जो उनसे चीज़ है ना बड़े मुनासिब रेट में मिल जाए, तो भाई इस तरह का कोई सीन नहीं होता। आप मंडी के अंदर आएँ, कट्टा मिट्टी खाओ, फिर थानू रेट ज़रा मुनासिब मिलेगा। रुमान भाई तुम कुछ कहना चाहोगे? सर सुबह भी आए 10 बजे ने माशाल्लाह जी, 2 बज गए ने, सही है, 2 बजे तक जी रेट कस्टमर कहता ना चीज़ तो 40,000 दी है जी, मंडी से 30,000 दी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंडी जाओ, सही क्वालिटी, ये नहीं कि काटू नहीं, क्वालिटी वाला माल बिल्कुल। अगर वो जेडी चीज असि 50,000 दी बेचते हैं, असि पिछली वीडियो च भी मैं भाई एक गल दसी सी जी जी, कि 40,000 वाली चीज 80,000 दी बेचना फनकारी नहीं होंदी, ईमान दी खराबी होंदी बिल्कुल। अगर 40,000 वाली चीज 45 च बेच दियो ना तो दुख नहीं होंदा, सही। ते लैण वाले ए फायदा कि एक तो घर बैठे चीज मिल जांदी जी, दूसरा खजल खराबी नहीं होंगी बिल्कुल। इस वजह तो करते हैं कि साड़ी रोजगार है, ऐसे ही है। लेकिन जेडे बंदे शौकीन ने उन्होंने नाल ही साड़ी रोजी है बिल्कुल। शौक असि कहते सस्ता होएगा तो हर बंदा माशाल्लाह ये चीज खरीदेगा, और जो शौक ही महंगा हो जाता पाया वा तो हर बंदा भजना पाया बिल्कुल। लेकिन बराए मेहरबानी थोड़ी जी रिक्वेस्ट है भाई है कि चीज का मुल चीज के हिसाब ना पाया करो, सही है। जे तुम चीज 30,000 वाली लगती तो 30 लाओ बिल्कुल, जो 50 वाली है तो 50 लाओ, ये साडा कसूर नहीं है। व्यापारियों ने A to Z रेट बहुत तेज हुए हैं, सही, और इनू नीचे लियाना बहुत मुश्किल होया पाया। अच्छा अनुमान भाई यहाँ पे एक बात और करना चाह रहा हूँ, जो उनसे है ना छुरी वाला रेट यहाँ पे बहुत ही मुनासिब है। लेकिन मेहर भाई मुनासिब की वजह दो ने, चीज भी क्वालिटी वाली नहीं, छुरी वाले में कौन सी क्वालिटी देखी जाएगी? छुरी वाला माल हाँ मेरे हिसाब से तकरीबन 800-900 रुपए केजी पड़ेगा कुशल, सही है, अगर बंदा छुरी वाला माल खरीदता है बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त जिंदा का रेट 800 रुपए चल रहा है जो मार्केट का रेट है, सही है। और जो प्योर माल है यानी A+ क्वालिटी कुर्बानी के सीजन
या पलाई वाला जानवर या ब्रीडिंग के लिए जी, उसका तकरीबन 1400 से 1500 रुपए रेट चल रहा है जिंदा का। सही है, ऐसे ही है बिल्कुल। और बाकी यार देखें, अगर मंडी में आते हैं आप, ढूंढते हैं, खपते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, फिर जाके कहीं आपको चीज़ मिलती है कोई अच्छी, तो वीडियो में ये है कि आपको अच्छी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं घर बैठे, ना साजी थोड़ा टाइम लगे तो ना किसी मिट्टी ना घटा खाओ। बिल्कुल ऐसे ही बुलबुल के बच्चे और सेकंड चैनल पे बहुत ही मजे का व्लॉग आ चुका है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पे सारे बकरे माशाल्लाह मेरे को अवेलेबल खड़े ने, ब्रीडर क्वालिटी के सारे। सही है, ये मेहरबानी ताड़ी भैया ताड़े चैनल के थ्रू। बाकी नुमान भाई का नंबर मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीन के नीचे चल रहा होगा, व्हाट्सएप करो, तानू बकरे सेंड करांगा। माशाल्लाह ए प्लस क्वालिटी के पठोरे मिलेंगे, ब्रीडर क्वालिटी के पठो वतन वाले, ये नहीं के बच्चे। नुमान भाई एक दफा वैसे नंबर शेयर कर दें अपना, 0303-23-45-567। ठीक हो गया, नंबर आ गया, इसमें सुन ले 0303-23-4-2567। ठीक हो गया जी। बाकी यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और देखें अब नेक्स्ट टाइम इस मंडी में कब चक्कर लगता है, लेकिन हमने ज़्यादा जल्दी चक्कर नहीं लगाना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जुवेद भाई की वीडियो भी आ चुकी होगी, आप देख लीजिएगा, साहिवाल बकरा मंडी के नाम से चैनल है। जुवेद भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस इस मंडी में? माड़ा रहा साजी, वैसे इस टाइम तकरीबन टाइम क्या हो गया, 2 बज गए, लेकिन हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, अब नाश्ता करने लगे, अभी होटल पे रुकने लगे हैं और नाश्ता करेंगे होटल में भी खाना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद किया, बाकी सेकंड चैनल पे दिखाएंगे होटल आपको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।